शेयर और मैं हूं निधि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं प्लम ग्रीन टी रेंज। मेरे पास प्लम के काफी सारे प्रोडक्ट थे तो मुझे लगा क्यों ना मैं सभी का आपके साथ एक बार एक वीडियो बना के शेयर करूं कि किस तरह के प्रोडक्ट है, प्लस आप किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं कि दी कोई मॉइस्चराइजर बता दीजिए ऑयली स्किन के लिए, कोई फेस वॉश बता दीजिए। तो मुझे लगा जब मेरे पास इतनी अच्छी रेंज पड़ी हुई है तो मैं वो आपके साथ शेयर क्यों ना करूं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं प्लम के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पिंपल्स आपको नहीं देंगे। अगर आपको पिंपल्स हैं तो एक्स्ट्रा पिंपल्स प्लम की वजह से तो नहीं आएगा, बल्कि उनको रिड्यूस करने का ही काम करेगा। स्मेल प्लस बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगी, प्लस आपको इसके प्रोडक्ट अपने फेस पे हैवी नहीं लगेंगे। अगर आपको कोई भी चीज सूट नहीं करती है तो एक बार आप प्लम के प्रोडक्ट तरफ जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। प्लस अगर आप किसी बिग सिटी में रहते हैं तो हो सकता है वहां पर प्लम के आउटलेट्स होते हों, आप वहां पे पता कर सकते हैं, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट नाउ तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है और इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। पर्पल पे तो मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रीन टी मास्क भी फ्री मिल जाएगा अगर आप दो प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस टाइम वो डील है या नहीं ये आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह की डील पर्पल पे आती रहती है, बहुत टाइम आती है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फॉर्मूला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी किस तरह से आप प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि प्रोडक्ट किस तरह का है और किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो। और बेल बटन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्लम का हेलो एलॉय नो स्टिकी हैंड क्लींजिंग जेल। ये प्लम का सैनिटाइजर है जो इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें बाय करना तो बाय कर सकते हैं, मैंने इसको पर्पल से बाय किया है, आपको जहां से भी मिल सकता है आप वहां से बाय कर सकते हैं, जिस भी साइट पे आपको मिले। ये 40 रुपीज का आता है, ये 50 लिखा हुआ है, बट मुझे ये 80 रुपीज में दो का पैक मिला है और वहां पर वन की प्राइस भी 40 ही आ रही थी। मतलब अगर आप सिंगल लेते हैं उसकी प्राइसिंग भी 40 आ रही थी, पर इस पे 50 लिखा हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आप क्वांटिटी देख सकते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी है। माइल्ड सी स्मेल है इसकी, इसकी स्मेल इसके प्रोडक्ट से मैच नहीं करती है, इसकी स्मेल बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब भी आप कोई मेकअप करते हैं, स्किन केयर शुरू करते हैं, आपको एक सैनिटाइजर तो चाहिए, और वैसे भी सैनिटाइजर इस टाइम तो जरूरत बन गई है लाइफ की। तो ये है सैनिटाइजर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही दिखाया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। ये है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश, 75 ml का आता है ये, और ये आप देख सकते हैं इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और ये है इसकी इनर पैकेजिंग, इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है ये। और इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जेल फॉर्म में निकलता है, और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से ना बीट्स हैं। ये बीट्स आपके फेस पे जाके मेल्ट नहीं होंगे, लेकिन हार्म बिल्कुल भी नहीं फेस को पहुंचाएंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो भी ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये मेल्ट नहीं होते हैं, ये मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये मेल्ट नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जेल फॉर्म में आता है, मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ। प्राइसिंग वगैरह आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का पोर क्लींजिंग फेस वॉश, और थोड़ा सा बस आपको लेना होता है, बहुत अच्छे से लेदर कर जाता है ये, पूरे फेस को क्लीन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है आपका फेस। और जो छोटे छोटे बीड्स हैं बिल्कुल आपको फेस पे हार्म नहीं पहुँचाएंगे, बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ना लेदर भी कर देता है। और अपने फेस को वॉश करने का ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ना, फिंगर से अपने फेस पे प्रेशर दिया कीजिए इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से, उससे आपका फेस ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाता है। और थोड़ा सा टाइम लगाया कीजिए इसको फेस वॉश करने में। और अब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, और ये आप मेरी स्किन देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है इससे फेस। और ये है ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क, और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है। इस तरह से आपको सब कुछ लिखा हुआ मेंशन मिलेगा, 60 ग्राम आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी इसमें, और अंदर प्रोडक्ट इस तरह का निकलता है। ये आप देखते हैं इसे कांच की बोतल है, और ये यहाँ पे आपको लिड लगी हुई मिलती है जिससे कि आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। और ये इस तरह का कुछ मास्क आपको मिलता है, और बहुत ही अच्छा मास्क है। अगर आपको कहीं पे पिंपल हो गया है फेस पे तो आप इसको थोड़ा सा ओवरनाइट लगा लीजिए, सुबह को आपका पिंपल मिनिमाइज हो जाएगा। ये ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, और बहुत ही अच्छा फेस मास्क है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है ये, काफी अच्छा फेस मास्क है। और फेस वॉश करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ अपना मास्क। तो
फेस को मैंने गीला ही रहने दिया है क्योंकि मुझे मास्क लगाना था, और वेट फेस पे ही आप मास्क लगाया कीजिए। कोई भी पैक लगाएं तो आप फेस को पहले वेट ही कर लें। तो सब जगह पे इवनली मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी पूरे फेस पे, और ड्राई करने के बाद इसको वॉश कर लेना होता है। स्मेल इसके अंदर से बहुत अच्छी आती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। प्लम के जितने प्रोडक्ट हैं सबकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और ये मैं पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा देन मैं इसको वॉश करूँगी। और अब ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको जा रही हूँ वॉश करने। और ये आप देख सकते हैं स्किन कितने अच्छे से साफ कर देता है, क्लियर कर देता है बिल्कुल। फेस को मैंने अपने ड्राई कर लिया है, और ये छोटा सा जो पिंपल देख रहे हैं वो चला जाएगा धीरे धीरे, इससे बहुत हेल्प होती है मेरे पिंपल्स को जाने में। यह है प्लम का एल्कोहल फ्री ग्रीन टी टोनर। 200 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है आपको इसके अंदर। और आपको इसको लगाने से पहले बोतल को अच्छे से शेक करना है। और आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट पे आपको लिखा मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है ग्रीन टी टोनर। और काफी अच्छा है यार, स्मेल भी बहुत अच्छी है इसकी, और मुझे तो बहुत पसंद है। इसका फॉर्मूला आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे इस तरह से जो आपके नोजल देख रहे हैं इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाटर है, बिल्कुल वाटर, कोई चिपचिप आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, बिल्कुल वाटर के जैसा है, एकदम वाटर जैसा है, बिल्कुल आपके फेस में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का टोनर। यहाँ से ये ओपन हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और हैंड पे लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉटन पैड पे लेके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह यूज़ कर लेती हूँ, बट हैंड पे लेके ना मुझे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, और आप चाहे कॉटन से करें चाहे आप हैंड से करें, फेस पे लगा के थोड़ा थोड़ा सा डैप कर लीजिए ताकि वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। ये गर्मियों में थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों को हल्का सा स्टिकी लगता है, बट विंटर्स में अच्छा लगता है। ये है प्लम का रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। आप फेस मिस्ट भी यूज कर सकते हैं और टोनर भी यूज कर सकते हैं। टोनर आप मिस्ट को टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और प्लस इस मिस्ट के तो बहुत सारे फायदे हैं। ये मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, रुक जाइए। आप इसके ऊपर पूरा सब कुछ मेंशन है, ये देखिए आप। वन स्प्रे मैनी वेज स्प्रे ऑन द हाइड्रेट नरिश फिक्स एडजस्ट और टचअप योर मेकअप। आप अपने मेकअप को टचअप कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। कभी ज्यादा गर्मी लगती है जैसे कि, तो बाहर जाते हैं आप हल्का सा स्प्रे कर लीजिए, एकदम फ्रेशनेस देता है आपके फेस को। और ये एक्ने फाइटर है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैंने पहले ही आपको बोला है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, मेरी तो सेकंड परचेज है ये। मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल वॉटरी है ये भी, स्मेल सारे प्रोडक्ट्स की बिल्कुल एक जैसी है। तो ये है इसका मिस्ट। और ये है प्लम का ग्रीन टी क्लैरिटी नाइट जेल। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कोई भी नाइट क्रीम सूट नहीं करती है, प्लस ऑयली फील होता है या फिर आपको स्टिकी लगता है तो आप इसकी तरफ जाइए। ये बहुत ही लाइट वेट जेल है, और इस तरह के कांच के जार में ही आता है। यहाँ पे आपको छोटी सी एक ये लिड मिल जाती है जिससे आपका प्रोडक्ट निकलता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं इतना लाइट वेट है ना, ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और ये आप देखिए कितना बिल्कुल एकदम वॉटरी फॉर्मूला है इसका, बहुत ही लाइट वेट है, और स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। और ये आप देखिए बिल्कुल कोई भी ना आपको ऑयली बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल जेल जैसा है, बहुत ही अच्छा है, कोई पिंपल नहीं आएंगे। प्लस ओवरनाइट आपकी जो फेस है उसको ये हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। और आप चाहें तो टोनर के इस जगह पे आप ये मिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो ये प्लम का ग्रीन टी मिस्ट है। आप मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप टोनर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, बट टोनर टोनर होता है और मिस्ट मिस्ट होता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्लम का क्लैरिटी नाइट जेल, जो कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए। स्मेल बहुत अच्छी आती है, लगाते ना बहुत अच्छा फील होता है। और मैं ये पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आप थोड़ी देर, कम से कम आधे मिनट के लिए तो आप थोड़ी सी मसाज कर लीजिए ताकि आपकी स्किन में अच्छे से चला जाए। ये बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं लगता है, बहुत लाइट वेट है। तो पूरे फेस पे आप इसको लगा लीजिए, और इसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है नाइट टाइम में। हाँ, अगर आपने कोई स्पॉट करेक्टिंग क्रीम वगैरह लगा रहे हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
बट बाकी आप कुछ मत लगाइए तो आप फेस देख सकते हैं, क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, धीरे धीरे सारे मार्क्स चले जाते हैं। आप देख सकते हैं मुझे कितने सारे पिंपल्स हो गए थे बट उनके मार्क धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।